फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी एसएससी पीएससी यूपीएससी रेलवेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो सही चैनल पे हैं। तो फटाफट मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने से नॉलेज हमारा ही बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है विच रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट्स द नंबर 1000। कौन सा रोमन अंक संख्या 1000 का प्रतिनिधित्व करता है, एम सी या वी? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स नोन एज? ये जो है ये टू सेपरेट फ्री जो फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स है और जब ये ज्वाइन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लॉकिंग, डॉकिंग या नॉकिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉकिंग। डॉकिंग विशेष रूप से दो अलग मुक्त उड़ान अंतरिक्ष वाहनों को जब जुड़ जाते हैं तो उसे डॉकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ दीज कंट्री फीचर्स द स्टार ऑफ डेविड ऑन द नेशनल फ्लैग? इन देशों में कौन सा राष्ट्रीय ध्वज पर डेविड स्टार ऑफ डेविड है, इराक, इसराइल या यूएसए? तो इसका जो सही आंसर है वो है इसराइल। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर इज द जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? जल्दापारा वन्य जीव कहाँ स्थित है, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल? ये देखिए, ये है जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो वो है सी, वेस्ट बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में पूर्वी हिमालय के तलहटी में और तोरसा नदी के तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आप याद रखिएगा कि किस नदी के तट पर स्थित है, यह है तोरसा नदी। राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे, हाथी, बंगाल टाइगर, हिरण, बाकिंग डियर, सांभर, बाइसन और जंगली जो सुअर है उसके लिए ये जो है जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है और वहाँ पर आपको ये सब वन्य प्राणी मिलेंगे देखने को। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल में आता है ये वाद्य यंत्र, तो क्या है? तो इसका जो ऑप्शंस है थाविल, कंजीरा या मोरसिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है कंजीरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू गेट द ग्राफिकल इंडिकेशन टैग? ग्राफिकल जीआई टैग, ठीक है, ग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, सितार, वीणा या तबला? तो इसका जो सही आंसर है वो है वीणा। तंजावुर वीणा जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण मिला है जिसे यह देश में इस तरह का पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला संगीत वाद्य यंत्र बन गया है। ये देखिए, ये जो है ये तंजावर वीणा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? कौन सा मसाला काले सोने के रूप में जाना जाता है, क्लव, ब्लैक पेपर या ब्लैक कार्डमन? तो इसका जो सही, क्लव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च या ब्लैक कार्डमन मतलब बड़ी इलायची? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर इज द राइट आंसर, दैट इज काली मिर्च। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग दीज इज वाइफ ऑफ भीम? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन भीम की पत्नी है, ठीक है, भीम की पत्नी? तो चित्रांगना, देविका या वलंधरा? तो इसका जो सही आंसर है वो है वलंधरा। चित्रांगना जो है वो अर्जुन की पत्नी है, देविका जो है युधिष्ठिर की और वलंधरा जो है वो है भीम की। भीम की और दो जो पत्नी है वो कौन है, वो है एक तो द्रौपदी और दूसरी है हिडिंबा। वलंधरा काशी राज्य की राजकुमारी और पांडव भीम की पत्नी थी। दोनों का एक बेटा सर्वगा था जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद काशी का राजा बना था। सर्वगा की पोती वगुस्थमा ने अर्जुन के बड़े पोते जानकी से शादी की और उन्हें दो बेटे शत्रुनिका और सहश्रीनिका को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट पेपर मिल ऑफ इंडिया सेटअप? किस स्थान पर भारत की पहली पेपर मिल स्थापित की गई थी, श्रीरामपुर, बलारपुर या उमरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। देश की पहली पेपर मिल की स्थापना 1812 में श्रीरामपुर बंगाल में हुई थी, लेकिन कागज की मांग न होने का कारण ये जो है ये फेल हो गई। 1870 में कोलकाता के पास बल्लीगंज में एक नए
पेपर मिल की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने पेपर उद्योग को कोर उद्योग के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 10, रैट टेस्ट इन कोविड स्टैंड्स फॉर। कोविड में जो रैट परीक्षण होता है वो क्या है? रैपिड एडवांस टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैपिड एग्रो टेस्ट? इसका सही आंसर है वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच फेमस क्रिकेटर एंड कॉमेंट्रेटर पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई। किस मशहूर क्रिकेटर और कॉमेंट्रेटर की हाल ही में मुंबई में निधन हो गया? फिलिप ह्यूज, डीन जोन्स या रमाकांत आचरेकर? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, डीन जोन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये देखिए, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी, कोच और कॉमेंट्रेटर जो है वो रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच हिंदी मूवी डिड एसपी बाला सुब्रमण्यम रिसीव द नेशनल अवार्ड? किस हिंदी फिल्म के लिए एसपी बाला सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? मैंने प्यार किया, एक दूजे के लिए, वंश? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है एक दूजे के लिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम जो थे वो पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, अभिनेता, डबिंग कलाकार और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया है और 74 वर्ष की उम्र में कोविड के कारण उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन क्लाइंबर इज नोन एज स्नो लेपर्ड? कौन सा पर्वतरोही स्नो लेपर्ड के रूप में जाना जाता है? निर्मल पूर्जा, पूर्णा या अंगरिता शेरपा? तो इसका जो आंसर है वो है सी, अंगरिता शर्मा। उसने 10 बार माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी। उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सोमवार 21 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया और वो जो है वो नेपाल के थे। ये देखिए, ये जो है ये अंगरित शेरपा है। क्वेश्चन नंबर 14, यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी नॉर्थ्रॉप ग्रुमन हैज नेम्ड इट्स स्पेस क्राफ्ट आफ्टर विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट? अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थ्रॉप ग्रुमन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री पर रखा है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स? तो इसका सही आंसर है कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आफ्टर द अकरेंस ऑफ कोविड-19 कमेंस्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड विच अदर कंट्री? कोविड-19 की घटना के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और किस दूसरे देश के बीच में शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट इंडीज। कोविड-19 की घटना के बाद पहला क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कैमल, द मंगूस, कबूम एंड अल्यूमिनियम दैट हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली? ऊंट, नेवला, कबूम, ऊंट, ठीक है, कैमल, मंगूस, कबूम या एल्यूमिनियम? क्या है, क्रिकेट बैट्स, मिलिट्री कोर्ट्स या चेस मूव्स? तो इसका सही आंसर है ये है क्रिकेट बैट्स। ठीक है, ये जो टर्म है ये अभी रिसेंटली यूज़ हुआ था। जो कैमल एक बैट का नाम है और वो किसने यूज़ किया था? अफ़गानिस्तान के जो राशिद खान ने। ठीक है, और मंगूस, कबूम, एल्यूमिनियम जो है आर सम ऑफ द अदर नेम्स यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट क्रिकेट बैट्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच विलेज इन स्कॉटलैंड इज नेम इंस्पायर्ड बाय द कैपिटल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट? स्कॉटलैंड का कौन सा ऐसा गांव है जो कि भारतीय राज्य की राजधानी शहर से प्रेरित नाम है? लखनऊ, पटना या रांची? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, पटना। ठीक है, स्कॉटलैंड का पटना बिहार की राजधानी से प्रेरित एक नाम है। स्कॉटलैंड में गांव की स्थापना करने वाले इस व्यक्ति विलियम फुलटर्न का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करने वाले पिता से हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड में एक गांव है जिसका नाम है पटना। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा बस, ट्रैम, ट्रेन, है ना? तो ये है क्या, ट्रैम लाइब्रेरी, मील्स ऑन व्हील्स या हॉस्पिटल ऑन व्हील्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रैम लाइब्रेरी है। दुनिया की पहली ट्रैम लाइब्रेरी अब कोलकाता में खुली है। ठीक है, तो ये जो है ये है ट्रैम लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 19, शिरध्वज इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर? शिरध्वज किस पौराणिक चरित्र का मूल नाम है? ठीक है, दशरथ, जनक या भरत? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, जनक। उनका मूल नाम शिरध्वज था और उनका एक भाई जिसका नाम क्या है, खुशध्वज। क्वेश्चन नंबर
20, इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आइडेंटिफाई द लोगो, ये मैं आपके लिए थ्रो कर रही हूँ कि आपको ये जो लोगो है ये पहचानना है, ये देखिए, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का लोगो है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अगर आंसर पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।